नमस्कार सभी, मेरा नाम है शोकबीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कर लीजिए और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। बहरहाल आज हम बात करते हैं कि जो स्कैमर है वो आपका वीडियो बनाता है और वीडियो बनाने के बाद आपको ब्लैकमेल करता है, आपसे पैसा मांगता है और उस तादाद में चलते वो कुछ लोग पैसा दे भी देते हैं। हालांकि मैं हर वीडियोस में ये मना करता हूं कि आप पैसा नहीं दें, वरना आप जितना पैसा देंगे उसको उतना ही लालच आएगा आपसे और आपसे लगातार उस पैसे की मांग तरह तरह के तरीकों से आपके आपको मांगा जा सकता है। तो आप इन सब चीज़ों से मतलब अवेयर रहें और जागरूक रहें और ऐसी गलती पहले करें नहीं जो कि आपको बाद में भुगतना पड़े। तो देखिए, आज का जो वीडियो है वो इस बात पर है कि एक हमारे ही सब्सक्राइबर हैं जिनके साथ में ये घटना हुई और उन्होंने हमें एक रिकॉर्डिंग उन्होंने भेजा कि सर इस रिकॉर्डिंग को सुनिए आप। और इस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद हो सकता है कि तो आप दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को पहुंचाएं ताकि और भी लोग इस रिकॉर्डिंग को सुनकर, इस चीज़ को सुनकर आप दूसरे लोगों तक भी जागरूकता पहुँचा सकें और दूसरे भी लोग जागरूक हो सकें, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में ज़रूरी है कि आप लोग जागरूक हों, आप लोग इन सब चीज़ों के बारे में समझकर अलर्ट हों कि वाकई ऐसी चीज़ें हैं और ऐसी घटना में हम भी कभी ना कभी आज ना तो कल फंस भी सकते हैं। तो ज़रूरी है कि हमारे पास जानकारी रहे। तो जब आपके पास जानकारी रहेगी तो आपको कोई भी किसी प्रकार का कोई व्यक्ति आपको साथ फ्रॉड या ठगी नहीं कर पाएगा। तो ये एक रिकॉर्डिंग है जो आप सुने कि किस तरीके से एक व्यक्ति से पैसा मांगा गया और पैसा मांगने के बाद उनको टॉर्चर किया गया और फिर वो थाने में जाता है, लिखवाता है, रिपोर्ट करवाता है और फिर उसके जो पुलिस ऑफिसर है वो भी उससे बात करता है। तो क्या जवाब और क्या बातचीत उनकी होती है, तो आप इस रिकॉर्डिंग को एक बार सुने और समझें इस चीज़ के लिए। मैं आपको ऑलरेडी 50,000 दे चुका हूँ, मेरे पास और पैसा भी नहीं है। देख भाई, मैं कुछ नहीं जानता, अगर तेरे को अपनी वीडियो डिलीट करवानी है तो 20,000 रुपए और कहीं से इंतजाम करके दे, नहीं तो तेरी ये वीडियो फेसबुक पर वायरल हो जाएगी। अभी डाल रहा हूँ मैं बिल्कुल यहाँ से। मेरे पास जितना पैसा था मैंने सब आपको दे दिया और मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। देख, मैं तेरे को बता रहा ना, तू 20,000 रुपए और दे दे, ठीक है, अगर तेरे को वीडियो डिलीट करवानी है। नहीं तो तूने जो लड़की के साथ जो गलत हरकत की है, जो वीडियो कॉल के दौरान जो तुमने गलत काम किया है, वो पूरा वीडियो मेरे पास आ चुका है, ठीक है। अगर तू बचना चाहता है तो सिर्फ 20,000 रुपए, ये आखिरी है, इसके बाद मैं 1 रुपए भी नहीं मांगूंगा, ठीक है, ये लास्ट है। 20,000 रुपए और इंतजाम करके दे दे, ठीक है, ट्रांसफर कर दे, नहीं तो तेरा ये वीडियो डिलीट वायरल कर दिया जाएगा, ठीक है। मेरे पास तो पैसा नहीं, लीजिए, मेरे सर के पास बात कीजिए। क्या सर? हेलो सर। हेलो हेलो, जब ये बंदा आपको 50,000 दे चुका है तो आप फिर से क्यों पैसा मांग रहे हो इससे? आप वीडियो डिलीट कर दो ना। इसने जो है लड़की के साथ जो गलत काम किया है वो पूरा वीडियो मेरे पास आ चुका है, ठीक है। इससे बोलो अगर इसको वीडियो डिलीट करवाना है इसको, तो जो है 20,000 रुपए और दे दे, ये वीडियो मैं डिलीट कर दूंगा। इसके बाद पहले भी आप लोगों ने ऐसा ही बोला था ना, वीडियो डिलीट कर दूंगा, 50,000 दे दे, बंदा ने दे दिया, अब फिर से 20,000 मांग रहे हो। और क्या गारंटी है कि 20,000 ये दे देगा तो वीडियो आप लोग डिलीट कर दोगे? आप लोग फिर से मांग सकते हो इससे पैसा? नहीं, ये लास्ट है, इसके बाद मैं जो है पैसे नहीं मांगूंगा, वीडियो बिल्कुल डिलीट कर दी जाएगी यहाँ फेसबुक कंपनी से। अच्छा, आप फेसबुक कंपनी से बात कर रहे हो? हाँ, मैं फेसबुक कंपनी का सीनियर मैनेजर बात कर रहा हूँ, अजय राठौर। अच्छा, अगर 20,000 नहीं देगा तो यानी कि आप वीडियो फेसबुक पे अपलोड कर दोगे? हाँ, ये वीडियो जो है इन्होंने जो मेरे पास आई है ये यहाँ पे डल चुकी है, बस इसको जो है वायरल करना बाकी है, ये पूरा पब्लिक नहीं हुई है, अभी प्राइवेट वीडियो है, इसको डालना जो है अभी डल जाएगा। अच्छा, अगर आप लोग तो। यानी कि फेसबुक पे वीडियो अपलोड कर दोगे तो इस बंदे का एक स्टूडेंट है, इसका तो पूरा फ्यूचर खराब हो जाएगा, अब ऐसा कैसे कर सकते हो? वही तो मैं बता रहा हूँ, इनसे बोलिए कि जो है 20,000 रुपए कहीं से और जुगाड़ करके दे दें, ठीक है, ये वीडियो रोक दी जाएगी, डिलीट कर दी जाएगी, इनका वीडियो जो है बिल्कुल वायरल नहीं होगा, ठीक है। नहीं तो इन्होंने जो हरकत की है जो लड़की के साथ, ये बहुत बुरा फंस जाएंगे, ठीक है, आपको भी पता। अच्छा, लेकिन सुनिए, वीडियो तो उसी लड़की ने वीडियो कॉल किया था, ठीक है, उसके बाद बंदा यंग है, इसने वीडियो को रिसीव कर लिया, गंदा हरकत उसी ने तो गंदा हरकत करना शुरू किया था, और आप लोगों ने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। अबे तेरा नाम क्या है? सुन तेरा नाम क्या है पहले ये बता। अजय राठौर। ओरिजिनल नाम बता, असली नाम क्या है तेरा? देख, तो बहस मत कर मेरे से, ठीक है, इससे बोलो कि 20,000 रुपए और दे दे अगर वीडियो डिलीट करवानी है। नहीं तो यहाँ पे अभी मैं स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ, ये वीडियो देखो बिल्कुल वायरल होने जा रही है, फेसबुक पे डलने जा रही है, ठीक है। इन्होंने जो वीडियो में जो हरकत की है लड़की के साथ, जो गंदी हरकत की है, वीडियो कॉल पर, व्हाट्सएप पर, पता चलेगा अभी इनको, वीडियो इनकी वायरल होगी तब इनकी कोई। एक तो पहले सुन, तुम ये वीडियो कहीं फेसबुक पर, यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसा धमका रहे हो तुम लोग।
ऐसा धमका के, यंग लड़के को धमका के। देख दो, अरे जा, ये तूने कहीं, हाँ मैंने, ये तूने कहीं गूगल से डाउनलोड करके भेजा है स्क्रीनशॉट, क्या इतना बेवकूफ़ समझते हो क्या हमें? एंड पहले ये सुन, ये सुन, ये सुन, तेरा ओरिजिनल नाम बता, तेरा ओरिजिनल नाम बता पहले। बेवकूफ कौन है अभी पता चलेगा, जब मैं वीडियो वायरल करूंगा ना फेसबुक पे इनकी गंदी वाली, तब पता चलेगा इन्होंने जो लड़की के साथ जो गलत काम किया। अबे ये वीडियो तो फेसबुक पे अपलोड नहीं कर सकता, ठीक है? कोई बेवकूफ नहीं है, पहले वीडियो डिलीट कर वरना बहुत लंबा फंसने वाला है बेटा, बहुत लंबा फंसेगा, बहुत लंबा फंसेगा। हाँ किससे बात हो रहा है तुम्हें पता है? मैं कौन बात कर रहा हूँ तुम्हें पता है? मैं लंबा फंसने वाला हूँ, तू है कौन? मैं इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ इस थाने से, यहाँ पर ये बंदे ने कंप्लेन लेके आया था, मैं इंस्पेक्टर हूँ, और बहुत लंबा जाने वाले हो तुम लोग, तुम्हारे अगेंस्ट देखना ऐसा एफआईआर करके ऐसे इतने साल लंबे ढालूंगा ना तुम लोगों को, इतने बम्बू पड़ेंगे तब तुम्हें पता चलेगा। कब से कर रहे हो ऐसे काम? कितने लोग हो पहले ये बताओ, कितने लोग मिलके काम कर रहे हो? अबे जा यार तू, अब जाना ठीक है, मैं आ रहा हूँ, रुक जा वहीं पर आ रहा हूँ, ठीक है? एड्रेस बता, एड्रेस बता खुद का। तो इस रिकॉर्डिंग में आपने सुना कि जो स्कैमर है वो उस व्यक्ति को धमका रहा है और उससे पैसे यानी कि 50,000 रुपये अब तक ले चुका है और अब 20,000 रुपये की वीडियो डिलीट करने के एवज में और पैसे मांग रहा है, और इस पैसे चलते हुए उसको ये बोल रहा है कि अब नहीं देना होगा आपको, अब ये लास्ट है। लेकिन यहाँ पर जो है ये जो साथ में दूसरी आवाज़ जो आपने सुनी, जो कि उसमें ही बता रहा है अपने आपको मैं इंस्पेक्टर हूँ, तो वो जो व्यक्ति है वो उनसे बात करते हैं और उसके बाद उस व्यक्ति को पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों करवाया, क्योंकि लड़का है और लड़के के कहीं ना कहीं ऐसी वीडियो कॉल आपने करवाई तो आप वो लड़का है भाग गया, लेकिन अब ये पैसे मांगने की क्या मतलब है, मनसा है इसकी। तो ये सब चीज़ें वो चलती हैं साथ में, आपने सबने पूरा रिकॉर्डिंग उसको सुना समझा। और इस दौरान अब मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आज का जो वीडियो है, मैं हर वीडियो में कहता हूँ आपको कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, आज मैं आपसे यही कहूँगा सिर्फ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को आप पहुँचाएं। मेरा एक फ़र्ज था, मेरा एक काम था कि मैं आप तक ये पहुँचाई जानकारी, और आपका भी ये फ़र्ज बनता है कि आप भी दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को पहुँचाएं। आज शेयर करें, सब्सक्राइब करें ना करें, लाइक करें या ना करें, मर्जी आपकी, लेकिन सब शेयर ज़रूर करें। व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी आपके पास आपके फ़ोन में आप ग्रुप देख लीजिए, जहाँ पर भी आप वो ग्रुप हैं उन सभी ग्रुप्स में ये वीडियो जरूर पहुँचाएं, ताकि और भी लोग बच सकें, जागरूक हो सके। जहाँ जागरूकता होगी वहाँ पर कोई भी नहीं फंस जाएगा। एटलीस्ट अगर आप 100 लोगों को भेजते हैं तो 100 लोगों में से कम 15, 20 या 50 लोग तो देखेंगे रहेंगे, और 50 बातें मुँह माउथ के थ्रू वो ऐड करेंगे तो हो सकता है कि 50 लोग और 50 को बताएं और 50 और 50 को बताएं, तो ऐसे हो सकता है कि ये चीज़ें सब जगह फैल जाएं। तो ये मेरे तरफ से एक जागरूकता था, मेरे तरफ से एक छोटा सा आप ही के लिए सहयोग था। आप भी अपना सहयोग जो है वो कंट्रीब्यूट करें और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर पहुंचाएं। तो मेरा आपसे बस यही निवेदन है, बाकी इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।